हेलो मेरे दोस्तों, आर यू प्लानिंग टू बाय योर ड्रीम कार? क्या आप अपनी ड्रीम कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे हो? इस वीडियो को ज़रूर देखिए। आपने अब तक कई लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि कार एक लाइबिलिटी है, कार इज़ ए डेप्रिशिएटिंग एसेट, कार पेट्रोल कितना महंगा हो गया है, कार खरीदोगे अनवांटेड खर्चे बढ़ेंगे, इंश्योरेंस, पार्किंग, मेंटेनेंस, क्लीनिंग, सर्विस। लेकिन दोस्तों, आज इस वीडियो से मैं आपको बताऊंगा कि कार खरीदनी कैसे है, हाउ टू प्लान बाइंग योर ड्रीम कार। और दोस्तों, आगे कुछ सीखे उससे पहले, मैं हूं भाविन, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, और आप देख रहे हैं YouTube चैनल द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग, आपका वन पॉइंट डेस्टिनेशन टू सीक एन अनबायस्ड कंसल्टेशन ऑन पर्सनल फाइनेंस। सो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, सीधा चलते हैं इस स्क्रीनशॉट पे और समझते हैं कि अगर आपका गोल है इमीडिएटली कार बाय करना तो आपको क्या करना चाहिए। तो कबीर का गोल है कि बस उसे अभी कार खरीदनी ही है, वो ऑलमोस्ट रेडी है। कबीर की एज है 33 और उसके हाथ में उसकी जो मंथली इनकम है, एवरी मंथ जो आती है, वो है अराउंड 50,000 रुपीज। अब आइडली कबीर को कार खरीदने के पहले उसके कार की बजट डिसाइड करनी होगी। तो यहाँ पे आई वुड रेकमेंड कि अगर वो सेफ्टी बजट देख रहा है, अगर वो चाहता है कि कार उस पर भारी ना पड़े, लाइक ईएमआई भरना उसके लिए ज़्यादा डिफ़िकल्ट ना हो और कार को मेंटेन करना उसके लिए ज़्यादा डिफ़िकल्ट ना हो, तो उसे उसकी मंथली इनकम का 10 times ज़्यादा से ज़्यादा, ऑन अ वेरी हायर साइड, उसे उसकी मंथली इनकम के 10 times से ज़्यादा की कार नहीं खरीदनी चाहिए। विच मीन्स कि अगर उसकी इनकम 50,000 रुपीज़ है एवरी मंथ, तो उसके कार की वैल्यू होगी 5 lakh रुपीज़। अब 5 lakh रुपीज़ में से कबीर के पास 20% यानी अप्रॉक्सीमेटली 1 lakh रुपीज़ जो है वो डाउन पेमेंट के होने चाहिए। अब अगर वो लोन लेता है 4 lakh रुपीज़ का, और अगर लोन का इंटरेस्ट, जो कि करंट इंटरेस्ट रेट की अगर हम बात करें कार लोन्स पे, तो वो है अराउंड 7.5 to 8%, और कबीर को 5 years के ऊपर की लोन लेना अवॉइड करना चाहिए। अब कबीर का जो ईएमआई है वो बनेगा अराउंड 8,050 रुपीस, और इन 5 सालों में टोटल अमाउंट जो 4 lakh की लोन पे कबीर पे बैक करेगा बैंक को, वो होगा 4,83,000, विच मीन्स कि उसने इन 5 सालों में 83,400 रुपीस का इंटरेस्ट दिया बैंक को। और यही अगर मैं डेप्रिसिएशन लगा लूँ अराउंड 60-70% ओवर अ पीरियड ऑफ 5 years, तो कबीर अगर मान लो कबीर ने डिसाइड किया कि वो ये गाड़ी जो है वो 5 years के बाद बेचेगा, आइडली उसे नहीं बेचनी चाहिए, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन 5 years बाद उसके कार की अप्रॉक्सीमेट रीसेल वैल्यू होगी अराउंड 1,50,000 रुपीज़। अब अगर हम ईएमआई टू इनकम रेशियो की बात करें, विच मीन्स कि कबीर के इनकम के सामने वो कितना परसेंट ईएमआई दे रहा है कार लोन के अगेंस्ट, तो वो है 16%। अब दोस्तों, यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि आपकी जो कार लोन की ईएमआई है वो आपके टोटल इनकम के 20% के ऊपर नहीं जानी चाहिए, आपको ये कोशिश करनी है। आइडली रूल ये कहता है कि आपकी सारी ईएमआईज, पर्सनल लोन, कार लोन, होम लोन, सब मिला के 25-30% के ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो अगर कबीर के पास कोई और लोन्स नहीं है तो उसके कार लोन की ईएमआई 20% के ऊपर नहीं जाए तो ज़्यादा अच्छा है। अब इस एग्जाम्पल में उसके कार लोन की जो ईएमआई है वो उसके इनकम का सिर्फ 16% है। अब अगर हम बात करें मिनिमम नेटवर्थ नीडेड, तो दोस्तों ये क्या है? देखिए दोस्तों, वैसे तो ये मिनिमम नेटवर्थ है, जहाँ पे मैं स्पेसिफिकली कह रहा हूँ मिनिमम, यानी अगर कबीर 5 lakh रुपीज़ की कार प्लान कर रहा है तो उसका नेटवर्थ एटलीस्ट 25 lakh रुपीज़ होना चाहिए, विच मीन्स कि वो अपने नेटवर्थ के 20% की कार की वैल्यू की कार खरीद रहा है। अगर उसकी नेटवर्थ 25 लाख है तो 25 लाख का 20% इज 5 lakhs। अब दोस्तों, ये क्यों ज़रूरी है? देखिए दोस्तों, ईएमआई तो सैलरी पे डिपेंड करेगी, 16% जा रही है, लेकिन ये सिर्फ यहाँ पे कार खरीद के ईएमआई की बात नहीं हो रही है, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कार के मेंटेनेंस की भी। तो अगर कबीर की नेटवर्थ अगर 25 lakh रुपीज़ है और उस 25 lakh का 20%, यानी कबीर अगर 5 lakh रुपीज़ की कार खरीदता है, तो कबीर के लिए कार को मैनेज करना, मेंटेन करना ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होगा, वरना कार उसके लिए बर्डन बन सकती है। तो दोस्तों, ये था पहला एग्जाम्पल जहाँ पे कबीर का गोल है इमीडिएटली
कार को खरीदना। तो फ्रेंड्स, अब ये तो हमने समझा कि कबीर को अगर इमीडिएटली कार खरीदना है तो उसे क्या करना चाहिए। तो आइए अब हम समझते हैं अरमान के एग्जाम्पल से, जहां पे अरमान का गोल है आज से 3 ईयर्स के बाद कार खरीदना। लेकिन दोस्तों, अब इस एग्जाम्पल को थोड़ा डिटेल में समझे उससे पहले, देखिए दोस्तों, आपका गोल सिर्फ कार खरीदना ही नहीं है लाइफ में, आपके और भी तो गोल्स हो सकते हैं। आप मैरिड हो, आपको अपने फैमिली के साथ वेकेशन पे जाना है, आपको अपनी रिटायरमेंट को भी प्लान करना है, आपके बच्चे हैं, बच्चों की स्कूलिंग प्लान करनी है, बच्चों की हायर एजुकेशन प्लान करनी है, राइट? तो कार खरीदने के अलावा आई एम श्योर आपके कई सारे और भी गोल्स हैं। अब अगर आप ये समझना चाहते हैं कि आपके बाकी सारे गोल्स आपकी करंट सैलरी के कंपैरिजन में आप कैसे अचीव कर सकते हो, कितने पैसे चाहिए होंगे आपको फ्यूचर में, क्या रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस आपको रखनी चाहिए अपने गोल्स को लेकर, ये सारी चीज़ें समझने के लिए और अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाने के लिए व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पे, तो आप अपने सारे गोल्स कैसे अचीव करने हैं आप वो समझ पाओगे। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं अरमान के एग्जाम्पल पे, लेट अस लुक एट द सेकेंड स्क्रीनशॉट। अब यहाँ पे अरमान की करंट एज है 30 ईयर्स। अब उसका गोल है आज से 3 बरस बाद कार खरीदना, विच मीन्स कि जब वो 33 ईयर्स का होगा तब उसे कार खरीदनी है। अरमान की आज की इनकम है 45,000 रुपीज़। अब वो ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि इन्फ्लेशन के चलते, अगर इन्फ्लेशन 6% है और उसकी सैलरी अगर 7% से भी बढ़ती है, तो आज से 3 बरस बाद अरमान की इनकम होगी इन हैंड करीब करीब 55,000 रुपीज़ पर मंथ। अब उस हिसाब से अरमान की कार की बजट कितनी होनी चाहिए, 10 टाइम्स ऑफिस इनकम, मंथली इनकम, देन 3 बरस के बाद की मंथली इनकम का 10 टाइम्स, विच मीन्स उसकी कार का बजट होना चाहिए 5,51,000 रुपीज़। अब जो कार 5,51,000 रुपीज़ की रहेगी आज से 3 बरस बाद, विच मीन्स कि अगर कार का दाम 6% से भी बढ़ता है हर साल, उस कार की वैल्यू आज कितनी रहेगी, 4,57,000 रुपीज़। अब 20% ऑफ द कार वैल्यू, विच मीन्स तब के 5,51,000 की कार अगर अरमान को खरीदनी है तो उसके पास 1,20,000 रुपीज़ का डाउन पेमेंट होना चाहिए 3 बरस बाद। और अगर हम, जो कि ये शॉर्ट टर्म गोल है, ओनली 3 ईयर्स का गोल है, हम यहाँ पे एक्सपेक्ट करेंगे कि अरमान को सिर्फ 7% का ही रिटर्न मिलेगा और उसे आज से 2,745 रुपीज़ की SIP शुरू करनी होगी कोई किसी ऐसे प्रोडक्ट में जहाँ पे उसे 7% तक का रिटर्न मिले। क्योंकि शॉर्ट टर्म गोल है तो हमें सेफ्टी भी देखनी है और साथ साथ में थोड़ा FD और RD के कंपैरिजन में थोड़ा ज़्यादा रिटर्न मिले, हमें वो भी देखना है। अब हम बात करते हैं लोन अमाउंट की। अब अगर अरमान 1,10,000 रुपीज़ का डाउन पेमेंट देगा तो उसके लोन की वैल्यू होगी 4,41,000 रुपीज़। और हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि लोन का जो इंटरेस्ट रेट है, कार लोन का जो इंटरेस्ट रेट है, वो आज 8% है, लेकिन 3 बरस बाद शायद बढ़ चुका होगा, तो हमने इसे 10% लिया हुआ है। और 5 ईयर्स की लोन का जो EMI है वो अरमान का बनेगा 9,290 रुपीज़ और 9,300 रुपीज़ पर मंथ, विच मीन्स कि इन 5 सालों में अरमान बैंक को लौटाएगा 5,57,570 रुपीज़ और उसने जो इंटरेस्ट पे किया इन 5 सालों में वो रहेगा 1,16,000 रुपीज़। और यही अगर हम डेप्रिसिएशन लगा ले तो अरमान 5 ईयर्स के बाद उसके कार की जो रीसेल वैल्यू होनी चाहिए वो होगी अप्रॉक्सीमेट 1,65,000 रुपीज़। और यहाँ पे जो EMI अरमान पे करेगा अपनी फ्यूचर इनकम, यानी 55,000 रुपीज़ की इनकम में से वो है 9,292, विच मीन्स कि वो 17% की जो है EMI पे कर रहा है, विच इज़ अगेन बिलो 20%। लेकिन अगेन दोस्तों, द डिसाइडिंग फैक्टर इज कि अरमान उस कार को मेंटेन कर पाएगा या नहीं। अरमान के पास जो है 3 बरस बाद उसकी जो नेटवर्थ है वो करीब करीब 27.5 लाख रुपीज़ होनी चाहिए, विच मीन्स 27.5 लाख का 20%, विच इज़ अराउंड 5,51,000 रुपीज़ की वैल्यू की कार अरमान को खरीदनी चाहिए। अगेन दोस्तों, द आइडल थंब रूल इज ओनली 10%। आइडली आपकी जो कार की वैल्यू है वो आपके नेटवर्थ के 10% ही होनी चाहिए, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू ऑन अ लिटिल हायर साइड कि अगर आप 20% तक भी कंसिडर करोगे तो भी चलेगा, लेकिन 20% का तो नेटवर्थ आपके पास कार की वैल्यू, जो आपके कार की वैल्यू है वो आपके 20% के नेटवर्थ की होनी चाहिए, उससे ज़्यादा मत जाइए, वरना आपके लिए कार को मेंटेन करना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। तो दोस्तों, आइए अब हम समझते हैं कुछ ज़रूरी पॉइंट्स जो आपको ध्यान में रखने चाहिए कार खरीदने से पहले,
लेकिन दोस्तों आगे बढ़े उससे पहले, अगेन सिर्फ कार खरीदना ही आपका गोल नहीं है, तो अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाने के लिए व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पे। लेट अस लुक एट सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नाउ। सो फ्रेंड्स, द वेरी फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कंसिडर परचेजिंग अ सेकेंड हैंड कार। अब दोस्तों नेटवर्क नेटवर्थ इज द डिसाइडिंग फैक्टर, राइट? अगर आपको लगता है कि बाकी सब कुछ सेट हो रहा है, आपकी ईएमआई 20% के अंदर बैटरी है, कार की वैल्यू भी आप अप्रॉक्सीमेटली 10 टाइम्स ऑफ योर मंथली इनकम ले रहे हो, सब कुछ सही है, लेकिन आपका नेटवर्थ अगर सेट नहीं हो रहा है, डोंट फोर्स योर सेल्फ टू गो फॉर अ न्यू कार। आप अच्छी सेकेंड हैंड कार भी देख सकते हो, मे बी 4-5 years पुरानी, सिंगल हैंडेड ड्रिवन। सेकेंड पॉइंट, ऑलवेज बाय अ कॉम्प्रीहेंसिव कार इंश्योरेंस विद जीरो डेप्रिसिएशन। देखिए दोस्तों, कार इंश्योरेंस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है थर्ड पार्टी, एक होता है कॉम्प्रीहेंसिव विद जीरो डेप्रिसिएशन। थर्ड पार्टी क्या होता है, मान लीजिए आपने अपनी कार किसी को बैंक कर दी, तो जो उसका नुकसान हुआ है, जो जिसका आपने नुकसान किया है, उसका कवर आपकी इंश्योरेंस कंपनी दे देगी। लेकिन अगर हम कॉम्प्रिहेंसिव की बात करें, तो आपका भी तो कुछ नुकसान होगा ना, अगर आप किसी और की कार में बैंक करोगे तो आपकी कार का भी जो नुकसान होगा वो भी कवर होगा। अगर आपके पास सिर्फ थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है, तो यहाँ पे आपकी कार का नुकसान कवर नहीं होगा। अब अगर उसमें आपने ये जीरो डेप्रिसिएशन वाला क्लॉज लगा दिया, मान लीजिए कभी फ्लड्स के कारण या कार कभी चोरी हो गई या फ्लड्स के कारण कार पूरी तरह से डैमेज हो गई, तो कार की एक इंश्योरेंस डिक्लेयर्ड वैल्यू होती है। अगर आपने कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस लिया तो आपको आईडीवी के हिसाब से मिलेगा, लेकिन अगर आपने जीरो डेप्रिसिएशन लिया हुआ है तो आपको पूरा का पूरा क्लेम कार की जो इनवॉइस वैल्यू है उसके हिसाब से मिलेगा। तो यहाँ पे आपका काफ़ी नुकसान होने से बच सकता है। सो जीरो डेप्रिसिएशन इज रिक्वायर्ड। अगर आप चाहो तो आप जीरो डेप्रिसिएशन भी ले सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं, लुक फॉर द इंश्योरेंस कंपनी दैट हैज द कैशलेस टाई अप विद द सर्विस सेंटर। पता चला आपने जिस कंपनी का इंश्योरेंस लिया, उस कंपनी का आपके सर्विस सेंटर में कैशलेस बेनिफिट नहीं है, तो पहले आपको कार की डैमेज का पैसा आपको अपनी जेब से देना पड़ रहा है, फिर आप इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम करवा रहे हो। पॉइंट नंबर 4, प्लीज कीप 6 months ऑफ योर ईएमआई एज एन इमरजेंसी फंड्स। अगेन दोस्तों, इमरजेंसी फंड तो बहुत ही जरूरी है बाकी सब चीजों के लिए भी, लेकिन स्पेसिफिकली अगर कार की बात करूं, मान लो जॉब लॉस हो गया, कोई छोटी मोटी इमरजेंसी आ गई, तो आपके पास 6 महीने का अगर ईएमआई रहेगा तो आप सिक्योर फील करोगे कि कुछ नहीं तो एटलीस्ट मैं कार की ईएमआई, जब तक मैं दूसरा जॉब नहीं ढूंढ लेता, मैं 6 महीने की ईएमआई तो मैनेज कर ही लूंगा। नेक्स्ट पॉइंट, विच इज पॉइंट नंबर 5, अवॉइड अपसेलिंग डन बाय द शोरूम। जब आप कार खरीदते हो ना दोस्तों, आपको यूजुअली सीट कवर लगवा लो, अलॉय व्हील्स करवा लो, कार में म्यूजिक सिस्टम लगवा लो, आपको बहुत ज़्यादा अपसेलिंग की जाती है। ऐसी अपसेलिंग को देखिए, आप बाहर से लगवा सकते हो ये सिस्टम वगैरह जो भी आपकी इच्छा है, लेकिन शोरूम से मत लीजिए। आपको जो भी शोरूम वाले हैं वो आपको 20% ज़्यादा ही कॉस्ट चार्ज करेंगे, 20-25%। तो जो भी है बाहर से करवाइए, शोरूम की अपसेलिंग को अवॉइड कीजिए। पॉइंट नंबर 6, लुक फॉर द डीलर्स डिस्काउंट और इफ पॉसिबल बाय अ कार फ्रॉम अ डायरेक्ट सेलिंग एजेंट। दोस्तों डायरेक्ट सेलिंग एजेंट क्या होता है, एक ऑथोराइज्ड पर्सन होता है जिसके पास कई सारी कार कंपनीज की एजेंसीज होती है। जैसे एक ही आदमी आपको हायुंडई की कार भी बेचेगा, मारुति की भी कार भी बेचेगा, तो आप अगर डीएसए के पास जाते हो तो वो आपको थोड़ा ज़्यादा डिस्काउंट करवा के दे सकता है शोरूम के कंपैरिजन में। तो आप वैसे तो शोरूम से भी खरीद सकते हो, लेकिन नॉर्मली अच्छे जो डीएसएस होते हैं, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट्स, वो भी आपको अच्छी डील देते हैं और ज़्यादातर केसेस में वो आपको शोरूम से ज़्यादा सस्ते में ही कार दिलवा सकते हैं। पॉइंट नंबर 7, अवॉइड एक्सटेंडेड वारंटीज। चांसेस आर मोस्ट ऑफ द टाइम यू वॉन्ट यूज दोज वारंटीज। सर, कार की इंजन की एक्सटेंडेड वारंटी ले लो। आजकल गाड़ी के इंजन्स इतनी हाई एंड है, इतनी ज़्यादा फिल्टर्ड है कि चांसेस है कि आप शायद कभी उस एक्सटेंडेड वारंटी का यूज़ करोगे नहीं, क्योंकि नॉर्मली 5 साल की वारंटी गाड़ी में होती है, लेकिन फिर भी आपको अपसेल किया जाएगा कि 2 साल की एक्सटेंडेड वारंटी ले लो, क्लच पैड, ब्रेक, एक्सेलरेशन, गेयर बॉक्स की एक्सटेंडेड वारंटी ले लो। लेकिन दोस्तों अगर आप नॉर्मल केसेस में अगर आप नई कार खरीदते हो, तो आप चांसेस ये है कि आपको इन चीज़ों का खर्चा कभी करने को आएगा ही नहीं, क्योंकि 5 साल तक तो ये सब चीज़ें कवर हो जाती है मोस्ट ऑफ द केसेस में, लेकिन उसके बाद आपको शायद इन चीज़ों का जरूरत पड़ेगा भी नहीं, क्योंकि यूजुअली कार आर वेरी वेल मेड नाउ डेज, दे आर वेरी हाई टेक्नोलॉजी कार। नेक्स्ट है, अवॉइड लोन फॉर मोर देन 5 years। ज़्यादा लोन लोगे ज़्यादा इंटरेस्ट का कॉस्ट बढ़ता है, तो लोन को 5 साल के अंदर ख़त्म करने की कोशिश कीजिए और 5 साल का ही टेन्योर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट, डोंट सेल द कार वेरी फ्रीक्वेंटली। अगेन ज़रूरी नहीं है कि एक लोन ख़त्म हो गया तो उस लोन को ख़त्म होते ही आपको गाड़ी बेच के नई गाड़ी खरीदनी है, नहीं दोस्तों। आपको असली बेनिफिट कार का मिलता है जब आपकी लोन समाप्त हो जाती है, व्हेन यू पे ऑफ योर लोन। तो कार को एटलीस्ट 8 years तक यूज़ करने की कोशिश कीजिए, तब जाके आप अपनी गाड़ी में से असली वैल्यू निकाल पाओगे, और हो सके तो सिंगल हैंड ड्राइव रखिए।
पॉइंट नंबर 10, ऑलवेज कीप अ रोड साइड असिस्टेंस नंबर हैंडी। मैं आपको मेरा ही एग्जांपल बता रहा हूँ। ड्यूरिंग अ लॉन्ग ड्राइव माय कार सडनली स्टॉप्ड और मेरे पास जो है रोड साइड असिस्टेंस का जो नंबर था वो हैंडी था। मैंने उन्हें फ़ोन किया एंड विद इन हाफ एन आवर दे हेल्प मी आउट ऑन द रोड एंड इट वॉज ऑल्सो रेनिंग। तो हमेशा ये मेरा एक एक्सपीरियंस है, मैं आपको बता रहा हूँ कि हमेशा जो है रोड साइड असिस्टेंस का नंबर रेडी रखिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि अब आप इस वीडियो को देखने के बाद अपनी ड्रीम कार खरीदने का गोल बना पाओगे, आपको समझ में आएगा कि कैसे सोचना है और आप उसको अचीव कर पाओगे। दोस्तों अगेन, अगर आप अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पे। इस वीडियो से कुछ सीखने मिला तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ। अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम हर संडे और वेनेसडे एक अच्छा वीडियो लेके आते हैं जिससे कि आपकी फाइनेंशियल नॉलेज बढ़ती है और आप फाइनेंशियली वाइज बनते हो, और अगर आप वाइज बनते हो तो आप गलती कम करते हो तो वेल्थ क्रिएशन खुद ही होना शुरू हो जाती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब तक YouTube चैनल मेंबरशिप ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल का मेंबरशिप नहीं लिया फ्री है ले लीजिए, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक शेयर की हुई है। और दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।